हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश तो बिल्कुल आने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाए जाएँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्लासी, और ये मिनी पिज़्ज़ास बिल्कुल डोमिनोज की तरह बनने वाले हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन बर्तन लिया है, लेकिन अभी इसको गैस ऑन नहीं किया है, तो सिर्फ अभी इसके ऊपर ब्रेड रखी है। तो मैं पहले इसका बेस बनाऊंगी। तो बेस बनाने के लिए हमें चाहिए टॉपिंग और साथ में टोमेटो सॉस। तो मैंने यहाँ पर टॉपिंग को और टोमेटो सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है, इसे आप किसी भी नॉर्मल शॉप से ले सकते हो, बहुत इजीली मिल जाती है। तो अब हम इसे अच्छे से हमारे ब्रेड पर फैला देंगे, ताकि जो हमारी ब्रेड में टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। तो मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके हमारे ब्रेड के स्लाइसेस पर जो है अच्छे से इसको फैला दिया है। इसके सारे कोनों को कवर कर दीजिए, बीच में अच्छे से कवर कीजिए, ताकि जो आपका फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा क्लासी आए। तो अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा के लिए चीज़। तो चीज़ के मैंने यहाँ स्लाइसेस लिए हैं, स्लाइसेस को अच्छे से इस पर रख दिया है। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। वेजीज आप अपने पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया है, टमाटोज लिए हैं और थोड़ी सी ऑनियंस लिए हैं, यानी कि प्याज लिया है, टमाटर लिया है और हर यहाँ पर लिया है मैंने शिमला मिर्ची। तो टॉपिंग आप छोटी छोटी लगाइए, क्योंकि आप मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हो तो उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप चाहो तो सिंगल टॉपिंग का भी बना सकते हो, यानी कि अगर आप चाहो तो खाली टोमेटो मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हो, या चाहो तो आप ऑनियन मिनी पिज़्ज़ा भी आप बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी पिज़्ज़ा बन करके रेडी होंगे। हमने यार सारी टॉपिंग्स को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं चीज़ की। तो चीज़ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ छोटे छोटे पीसेज में जो है चीज़ को ऊपर से फैला दिया है, ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब एक का टुकड़ा आप छोटा बड़ा करके डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ डाइस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो जो यहाँ पर इस जगह पर जो है क्यूब चीज़ आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। गैस मैंने यहाँ ऑन कर दिया है। चीज़ डालने से पहले मैंने यहाँ गैस ऑन कर दिया था। अब हम इसे ढक करके कवर करके 2 मिनट के लिए पकाने वाले हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाइए। उससे क्या होगा ना, मीडियम गैस पे पकाएंगे तो जो आपका ब्रेड है ना, वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, और साथ में जो इसकी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं चीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसका कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा आया है। अब हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो लगता है ये ऑरिगेनो, उसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला है। अब हमारा पिज़्ज़ा देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा बन करके रेडी हुआ है। तो अब आप हमारे पिज़्ज़ा की एक एक स्लाइस को देख सकते हो, कितना अच्छे से ये बन करके रेडी हो चुका है। इसकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसकी जो वेजिस है वो भी अच्छे से पक गई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई हैं, पर अच्छे से सौते हो चुकी हैं। आप चाहो तो यहाँ वेजिस को फ्राई करके भी अलग से ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर भी पिज़्ज़ास को, यानी कि हमारे मिनी पिज़्ज़ा को प्लेट में निकाला है। अब आप देख सकते हो, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग भी बहुत इजीली हो जाती है, जैसे आप नॉर्मल ब्रेड को, या फिर मैं ये कहूँ कि आप मिनी पिज़्ज़ा अपने पिज़्ज़ास को कट करते हो, उसी तरीके से हमें हमारी मिनी पिज़्ज़ास को भी कट करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो पिज़्ज़ा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी हुआ है। इसके जो स्लाइसेस हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। ये हमारी जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इसको बनाया था, मेरे बच्चों ने इसे झटपट ख़त्म कर दिया, दूसरे को खाने का तो मौका ही नहीं दिया, इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा टेस्टी था ये, बहुत ही ज़्यादा क्लासी था। अब इसकी चीज़ को भी देख सकते हो, इसकी चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है। आप चाहो तो यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो अब हम पिज़्ज़ा को जो है प्लेटिंग के लिए निकालेंगे। तो मैंने यहाँ स्मॉल प्लेट ले ली है, उसको थोड़ा सा प्लेटिंग करने के लिए मैं थोड़ी अच्छी तरीके से बस उसको सेट करूँगी, उससे अलग से कुछ अलग ऐड नहीं करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर प्लेटिंग के लिए अपने चारों पिज़्ज़ास की स्लाइसेस को यहाँ ऐड कर दिया है। अब आप देखोगे कितना ज़्यादा टेस्टी और क्लासी बन करके रेडी हो चुका है। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो गाइज़, वीडियोस को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको मिनी पिज़्ज़ास कैसे लगे।